बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो नाजरीन, कैसे हैं आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। पैसों की जरूरत हर एक को ही होती है। किसी के पास इतना पैसा होता है कि वो इन्हें संभाल नहीं पाता, और किसी के पास एक वक्त खाने को भी नहीं होता। और आजकल घर में पैसे रखना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि चोरियां वगैरह बहुत बढ़ गई हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपने पैसों को बहुत आसानी से छुपा सकते हैं। और ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। और इन टिप्स को देखने के बाद आप ये जरूर सोचेंगे कि काश आपको ये टिप्स पहले से मालूम होती। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि आप इस एक वीडियो से जिंदगी भर फायदा उठा सकें। तो सबसे पहली ट्रिक के लिए आपने पहले तो कोई भी शॉपर लेना है। अब शॉपर को बिल्कुल सीधा करके ऊपर वाले हैंडल काट लें, फिर इसमें जितनी भी रकम आपने डालनी हो वो डालें, और फिर टेप से इसे अच्छे से पैक कर दें। अब आपने किचन की कैबिनेट को खोलना है, और कैबिनेट की नीचे वाली साइड पर इसे अच्छी तरह चिपका देना है। हर कैबिनेट के नीचे काफी जगह होती है, तो आप अपने बहुत सारे पैसे यहाँ छुपा सकते हैं, क्योंकि चोर ऐसी जगहों पर तवज्जो नहीं देते। तो आपके पैसे इंशाल्लाह सेफ रहेंगे। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो आपने जब अपने पैसे छुपाने हो, तो आप कोई भी लेडीज पैड लें और ऊपर जो ये टेप होती है उसे हटाएं। अब इसमें आपने अपने पैसे डालने हैं, और पैड को दोबारा से पैक कर देना है। इस तरह पैसे बिल्कुल सेफ हो जाते हैं, और किसी की नजर भी यहाँ नहीं पड़ती। क्यों, ठीक कहा ना? अब तो एक लाइक बनता ही है। अच्छा, अब एक और चुन्नी मुन्नी लेकिन बहुत ही यूजफुल टिप आपसे शेयर करती हूँ। और इसके लिए आपने पहले अपनी रकम को थैली में पैक कर देना है, और आप चाहे तो इसके लिए छोटा जिप पैक भी ले सकते हैं। अब आप इसे बेबी वाइप्स के पैकेट में डालकर रख दें, तो रकम चोरों की नजर से महफूज हो जाएगी, और खराब होने का डर भी नहीं होगा। अब आप चाहे तो इसे किसी भी डेटा केबल या हैंड फ्री के पैकेट में भी रख सकते हैं। आइडियाज मैं आपको दे रही हूँ, पर आप अपने घर में ऐसी ही छोटी और मामूली जगहें फाइंड करें और उनमें अपने पैसे छुपाएं। तो आपको मेरी आज की टिप्स पसंद आ रही हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, तो अब एक और आइडिया आपसे शेयर करती हूँ, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आपने करना ये है कि इन पैसों को थैली में डालकर महफूज कर लेना है, और फिर इन्हें चीनी वाले डब्बे में रख देना है। ये देखें, इस तरह पैसों को चीनी के नीचे दबा दें तो पैसे महफूज रहेंगे। या इसी तरह आप अपनी रकम को थैली में डालने के बाद आटे के डब्बे में भी रख सकते हैं। पहले एक साइड से आटा ऊपर कर लें, और फिर आटे के अंदर रकम को रख दें। ये देखें इस तरह, फिर आटे को सब तरफ से इक्वल कर लें। इस तरह भी आप अपने पैसे बहुत अच्छे से महफूज कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की सारी यूजफुल टिप्स? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब, और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।